वन कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का सेमेस्टर टू का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी बच्चों को मालूम होगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कॉमन कोर्सेज के पेपर आपके नाम चेंज हो चुका है, जिसमें से मैंने आपको एक पेपर का सिलेबस बता दिया जिसका नाम है सेक पेपर। उसमें क्या क्या पढ़ने वो टोटल मैंने आपको बता दिया। ये आज का जो सिलेबस है वो आप सभी बच्चों का AEC पेपर नाम का एक पेपर होने वाला है, जिसमें आपको देखिए इंग्लिश ही पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपर लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। क्या ये सिलेबस आप सभी बच्चों को कहता है ये बताता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो अच्छे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। देखिए ये है आप सभी बच्चों का सिलेबस, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है, लेकिन नहीं, ये इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस आप सभी बच्चों का नहीं है। ये जो सिलेबस है ये 3/8/2023 को देखिए तैयार हुआ है, यहाँ डेट दे सकते हैं अगस्त की 3 तारीख में तैयार हुआ है। यहाँ पर अगर आप इस पेपर में नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा पेज मिलेगा, लेकिन आपको उतना काम का नहीं है। मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे बच्चों यहाँ पर समझाने की कोशिश कर देता हूँ। देखिए एक ये जो आपको पेपर मैंने आपको बार बार दिखाया, आपको सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू और यहाँ आपको सेमेस्टर थर्ड। देखिए सेमेस्टर थर्ड में आपका 3 पेपर होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको सेक पेपर का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का आपको तो सिलेबस बता दिया है, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 का सिलेबस बता दिया गया, MDC बचा हुआ है और MN बचा हुआ है। फिलहाल मैं आपसे बच्चों को बताने वाला हूँ AEC 3 यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसका सिलेबस में देखिए आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए जब आप इस PDF अगर नीचे जाइएगा ना तो आपको देखिए पता चलेगा सेमेस्टर 1 और 2 में इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना है, सेमेस्टर 3 पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन नाम से पेपर पढ़ना है। जो बच्चे ऑनर्स रखे हुए उनके लिए ये वाला होने वाला है। देखिए लिखा डिटेल कोर्स कंटेंट ऑफ इंग्लिश AEC और जो बेसिकली माइनर पेपर रखे हुए इंग्लिश का उनको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। देखिए जब इस पेपर हम लोग नीचे जाते हैं तो आप सभी बच्चों को ये ऑनर्स पेपर का भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास इंग्लिश का ACC जो पेपर है हमारे पास जो काम का है, तो हम लोग इसको सिलेबस को देखते चलते। देखिए ये सेमेस्टर 1 और 2 में AEC इंग्लिश कम्युनिकेशन नाम से आ जाएगा, और ये आ जाएगा सेमेस्टर 3 AEC बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें कोर्स में देखिए क्या क्या पढ़ना है ये बताया गया आप सभी बच्चों को। देखिए ये वाला पार्ट इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यहाँ पर कोर्स कंटेंट में क्या पढ़ना है, सिटिंग रेफरेंसेज एंड यूजिंग बायोलॉजिकल ग्राफिकल एंड रिसर्च टूल, राइटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट्स ऑन फील्ड वर्क, विजिट टू इंडस्ट्रीज, बिजनेस कंसर्न, बिजनेस नेगोशिएशन, समराइजिंग एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज, राइटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, ई कॉरेस्पॉन्डेंस, स्पोकन इंग्लिश फॉर बिजनेस थ्योरीज, ठीक है। ये और कुछ बुक्स भी यहाँ आपसे बच्चों देखिए रिकमेंड कर दिया गया। कोर्स से देखिए क्या क्या सीखिएगा ये बताया गया है, बताइए आप सीखे चाहे ना सीखे, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। देखिए नीचे आइएगा तो ये सेमेस्टर 4 का भी आपको सिलेबस है, सॉफ्ट स्किल का नाम का पेपर ये पढ़ना है। ये जो बच्चे इंग्लिश में माइनर पेपर रखिएगा वो उनका सिलेबस, देखिए ये सब पेपर यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये सेमेस्टर 1 हो गया, सेमेस्टर 2 हो गया, सेमेस्टर 3 हो गया आप सभी बच्चों का। देखिए सॉरी सेमेस्टर 5 का माइनर पेपर है, सेमेस्टर 6 का माइनर पेपर है, और यहाँ से देखिए स्टार्ट हो जाता है हमारे पास MDC। जो बच्चे इंग्लिश रखिएगा तो उनका भी ये सिलेबस अवेलेबल है। इंग्लिश मेजर पेपर का सिलेबस है वो भी मैं जल्द आप सभी बच्चों को डिस्कस कर दूँगा, उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। फिलहाल याद रखिएगा आप सभी बच्चों का ये रहा पेपर, पेपर में क्या पढ़ना है आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये आपका पूरा पूरी जो सेक पेपर है, सेक पेपर बोल रहा हूँ, ACC पेपर ये आपको पढ़ना है, ये वाला सेमेस्टर 1 2 हो गया, ये आपका सेमेस्टर 3 है, ये कोर्स के कंटेंट है। आप बोलिए सर पढ़ेंगे कहाँ से, तो देखिए याद रखिएगा आपको थ्योरीज क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा। जैसे एक एक टॉपिक है प्रोजेक्ट राइटिंग या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार लिखा जाता है, आप जो कैसे राइटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, देखिए जो मिनट्स होते हैं जैसे मीटिंग बोल मिनट्स बोल रहा हूँ, जो मीटिंग्स होते हैं उनका राइटिंग्स को किस प्रकार लिखा जाता है, ये इंग्लिश का देखिए कुछ कह सकते हैं टर्नोलॉजी होता है जो आपको समझना पड़ेगा। बिजनेस कंसर्न के बारे में लिखना है, रिपोर्ट लिखना है फील्ड में अगर आप है या फिर कोई इंडस्ट्री चल रहा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको गूगल से सर्च करने पड़ेंगे। आपको गूगल में देखिए एक एक टॉपिक क्या करना पड़े, एक से कह सकते परफेक्टली किसी जगह तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपसे बच्चों कुछ ना कुछ ऐसे कह सकते हैं कि वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से ये सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं। तो फिलहाल आपसे बच्चे सिलेबस जानकर रख लीजिए कि सेमेस्टर 3 AEC इंग्लिश में बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर है और ये आपको कंप्लीट करना अपने एग्जाम से पहले। तो आशा करूँगा वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।